भाईजान, मैं जानता हूं कि असद भाई और आपके बीच में जो कुछ भी हो वो ठीक नहीं था, पर जो हो गया सो हो गया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये घर फिर से एक हो जाए, और ये तब भी मुमकिन है कि आप अपना दिल थोड़ा सा नरम कर लें। असद भाई मेरे कहने पे घर आ गए, इस बात की दलील है कि वो आज भी आप लोगों से उतना ही प्यार करते हैं। असद भाई, भाइयों के बीच क्या कुछ नहीं होता, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि किनारा कशी इख्तियार कर लें। सर देखें, इन घर वालों के दिल में आज भी आपके लिए इतना ही प्यार है। असद भाई भाभी की आंखों वास बंद करो। क्या कह रहे हैं सर भाई? मैं वही कह रहा हूं जो तुमने सुना है। बकवास बंद करो। मैं यहां तुम्हारी ये फसल की पक सुनने नहीं आया। वाह वाह जिमरान साहब वाह। वैसे मेरे जाने के बाद आप इतने वीक हो गए कि इस लावारिस की जरूरत पड़ गई आपको। वैसे आपके दिमाग की तो मैं दाद देता हूं। लोग टैक्स बचाने के लिए वो क्या कहते हैं अपने कारोबार को ट्रस्ट का नाम देते हैं। आपने तो इस घर को ही ट्रस्ट बना दिया जहां हकदारों को कम से कम हक। क्योंकि ये लावारिस और यतीम ये तो मेरे सामने सर तक नहीं उठाएंगे। असद भाई आप अपनी जबान को लगा दें इससे पहले कि मैं भूल जाऊं आप कौन है। असद भाई मैं आपका क्या छोड़ता हूं, ऐसा मत करें प्लीज। सर ठंडे दिमाग से अपने ड्रामे बंद करो। अगर मुझे जरा भर भी पता होता कि मुझे आज का दिन देखना पड़ेगा, जिस दिन मैंने तुम्हारे बाप को मारा था ना, उसी दिन मैं जानबूझकर तुम्हें भी मार देता, समझे? असद मैं तुम्हें इसी जगह इसी वक्त जिंदा दफन कर दूं, मेरी नजरों से दफा हो जाऊंगा। जाने से पहले मैं एक बात आपसे कहता हूं, अब की बार अगर इस जायदाद में से एक कौड़ी भी इस लावारिस को मिली फिर इस घर से सिर्फ जनाजे ही उठेंगे। आउट। देख लिया तसल्ली हो गई तुम्हें? मुझे माफ कर दें भैया, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ सुनना पड़ा। नहीं सनी, कसूर तुम्हारा नहीं। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता
शायद यही करता, लेकिन आज के बाद इस घर में कोई शख्स का नाम नहीं लेगा, इस काम से कोई ताल्लुक नहीं। किसको खबर है, किसको पता है तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है, दिल ही दर्द दिल की दवा है, चारा सनी। हालांकि भाईजान ने कितना मना किया था उसे कि असद भाई को ना बुलाए, तो इसमें उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था, वो असद की आदतों को थोड़ी जानता है, हम जानते हैं। और जब वो भाईजान से इजाजत मांग रहा था तो हम में से किसी ने भी भाईजान का साथ नहीं दिया, इसलिए मजबूरन उन्हें उसको इजाजत देनी पड़ी। हाँ शायद हम लोगों को भी हल्की सी उम्मीद थी कि जो काम आज तक हम नहीं कर सके शायद सनी करते। तो कसूर तो हमारा ही हुआ ना, आजमाए हुए को आजमाने चले जाना कहाँ की अकलमंदी। नहीं लाइबा, मैं इस बात को नहीं मानता, किसी को दुख देकर कोई खुद कैसे खुश रह सकता है, तो अल्लाह का कानून है। काश यही बात असद को समझ आ जाए। लेकिन भाई होने के नाते मेरी तो बस यही दुआ है कि असद भाई जहां भी रहें हमेशा खुश रहें। मैं तो सनी के बारे में सोच रही हूं, उसने तो अपनी तरह से अच्छा किया था, लेकिन असद ने उसे जो कुछ कहा है पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ।